उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा जी बीजेपी नेता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दरोगा जी ने नेताजी को पुलिस थाने के अंदर ही एक या दो नहीं बल्कि कई थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल मामला यूपी के कानपुर का है, जहां एक स्थानीय बीजेपी नेता को किसी मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा। वहां दरोगा जी और बीजेपी नेता के किसी बात पर बहस होने लगी, फिर अचानक दरोगा जी नेताजी को बेतहाशा पीटने लगे। घटना के दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जहां ये वीडियो वायरल हो गई और वीडियो रिकॉर्ड करते समय दरोगा ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से फोन भी छीनने की कोशिश की। कानपुर में हुई बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि दरोगा ने बीजेपी नेता को पहले पीटा और फिर उसे लॉकअप में डाल दिया। घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और अपने नेता को छोड़ने की मांग करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी बीजेपी नेता को पीट रहा है। पहले दोनों में बातचीत होती है और फिर दरोगा उस शख्स को पीटने लगता है। हालांकि मामले की तूल पकड़ने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और ACP नौबस्ता अभिषेक पांडे ने चौकी इंचार्ज आनंद पांडे और दरोगा आशीष को लाइन हाजिर किया। पुलिस की कार्रवाई जारी है और मामले की जांच की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।